ऊपर किराए में कुछ लड़कियां रह रही हैं, उनको पत्थर मारा। अगर हमारा गेट नहीं होता तो आज शायद हम जिंदा नहीं बचते। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी सामने आई कुमार गुप्ता के द्वारा भी तलवार लहरा के तीन लोगों को उसमें घायल किया गया था, जिसमें से कि दूसरा अपराध फिर हमने अगेंस्ट कृष्ण कुमार गुप्ता और उनके एक साथी के विरुद्ध में 307 का पंजीकरण किया सर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। आखिर अपराधी कौन? पुलिस क्यों बचा रही है अपराधियों को? जिसके घर पर हमला हुआ उसी को अपराधी बना दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में। भोपाल अवधपुरी थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है। दरअसल हाउस नंबर T137 ऋषिपुरम फेज 2 अवधपुरी भोपाल का मामला कल हुए हमले को लेकर नया वीडियो जारी हुआ है। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि कुछ लोग हाथ में तलवार और डंडे लेकर हमला कर रहे हैं, जबकि कल का नजारा कुछ और ही था। जिन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे साथ मारपीट की और गंभीर चोटें आई हैं, उन्हीं के हाथ में वीडियो में साफ तौर पर तलवार एवं डंडे एवं उत्पात मचाते हुए देखा जा रहा है। पुलिस को पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा देना चाहिए। पीड़ित कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि मेरे घर पर इस प्रकार का हमला हुआ, अगर हमारा गेट बंद नहीं होता तो हमारे परिवार के साथ कुछ बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन पुलिस ने पूर्ण रूप से जांच नहीं करते हुए एक तरफा कार्रवाई करके हमें ही पीड़ित बता दिया। वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है कि अपराधी आखिर कौन है और दोषी कौन है। इनके हाथ में तलवार है अगर गेट पर तलवार मार रहा है, नशे में खुद ही नालियों में गिर रहा है, तो क्या वह अपराधी है? पुलिस को यह सोचकर इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और मुझे इंसाफ दिलाना चाहिए। वहीं ACP दीपक नायक का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 307 148 बलवा के तहत मामला पंजीबद्ध किया। बताया जा रहा है कि पांडे परिवार के ऊपर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, जिसका बाउनर भी भरा जाएगा और 122 की कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं पीड़ित कृष्ण कुमार गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कुमार गुप्ता है, मैं फरियादी हूँ। कल दिनांक 7/4/24 को मेरे घर में हनुमान पांडे, महेश पांडे, चंद्रशेखर पांडे, राजू वर्मा व अन्य 15-20 हथियारबंद लोगों ने प्राणघातक हमला किया। हमारे घर में घुस करके मारपीट की। हमने जान बचाने के लिए अपना गेट लगाया, औरतों को धक्का मुक्की किया, बाद में तलवार लेकर के आए। सभी शराब के नशे में थे। ऊपर किराए में कुछ लड़कियां रह रही हैं, उनको पत्थर मारा। अगर हमारा गेट नहीं होता तो आज शायद हम जिंदा नहीं बचते। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने FIR लिखा है, लेकिन उसमें मामूली धाराओं में उनके लिए FIR किया है। और जो लोग 15-20 लोग कल अटैक कर रहे थे, उनकी पूरी वीडियो फुटेज मैंने जारी कर दी है CCTV से। उसमें से एक भी आदमी को पुलिस ने अभी तक गिरफ्त नहीं किया है। आज सुबह मॉर्निंग में भी एक आदमी राजू वर्मा मेरे घर के सामने घूम रहा था, जो कल शाम के समय में तलवार से मेरे गेट को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। जितने भी लोग हैं सभी लोग वीडियो में क्लियर देखे जा रहे हैं कि अगर मेरे छोटे से बच्चे 1.5 साल के बेटे को भी तलवार मारने की कोशिश करी गई है, औरतों को नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा। अभी भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से काउंटर केस किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और मेरे ही ऊपर से जो महेश पांडे जो है दारू पी करके तलवार लेकर के मेरे दरवाजे पे तोड़ रहा था। इतने नशे में था कि कभी वो नाली में गिर रहा है, कभी इधर गिर रहा है, अपने लड़कों को तलवार मार रहा है कि तुम हमला क्यों नहीं कर रहे हो। वही आदमी जा करके अस्पताल में लेट गया और हमारे विरुद्ध सरकार से अपील कर रहा है, प्रशासन से अपील कर रहा है। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए। अभी भी मेरे बच्चे घर में बंद हैं, उनका परिवार बाहर है। अगर कुछ भी जनहानि या मुझे या मेरे परिवार को कुछ भी होता है, तो महेश पांडे व अन्य किराए के जो गुंडे आए थे 15-20 लोग तलवार लेकर के, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद सर। तर अवधपुरी में सर दो परिवारों के बीच में सर झगड़ा का मामला सामने आया सर, क्या था पूरा मामला? बताया जा रहा है कि तलवार वाला भी चली है सर। ये इसमें भी कल तकरीबन शाम में 4 से 5 बजे के बीच में
ये कृष्ण कुमार गुप्ता और महेश कुमार पांडे ये आमने सामने रहते हैं ऋषिपुरम फेज टू में। इनके बीच में नाली को लेके कुछ बनाने को लेके विवाद था जिसमें से दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें से कि हमने कृष्ण कुमार गुप्ता जी की रिपोर्ट पर से पहले महेश पांडे, हनुमान पांडे और वर्मा और इस तरीके से पांच लोगों के विरुद्ध में 47-48 मिनट का बलने का अपराध पंजीबद्ध किया था। बाद में जब हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे तो उसमें ये बात भी सामने आई कि कृष्ण कुमार गुप्ता के द्वारा भी तलवार लहरा के तीन लोगों को उसमें घायल किया गया था, जिसमें से कि दूसरा अपराध फिर हमने अगेंस्ट कृष्ण कुमार गुप्ता और उनके एक साथी के विरुद्ध में 307 का पंजीबद्ध किया। सर विवाद का कारण क्या था सर, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? और विवाद का बेसिक कारण यह है कि इनकी धारा हमने सामने है जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है कि एक नाली उन्होंने अपना पानी निकालने के लिए गुप्ता जी ने कुछ कंस्ट्रक्शन करा रहे थे जिस पर लेकर की सामने वाली पार्टी को उस पर आपत्ति की पार्टी कर रहे। सर आरोपी के पास से क्या क्या सामान जब्त हुआ? सर आरोपी को भी हमने अरेस्ट किया हुआ है और इसमें से अभी कृष्ण कुमार गुप्ता की अरेस्टिंग हुई है और बाकी हमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो पांडे फैमिली है उनके वो पहले से ही बाउंड पर थे, उसमें हम 122 कार्रवाई भी करेंगे।